प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को वापस पेशवा बनाने के लिए इस युद्ध को प्रारंभ किया। इस युद्ध के दौरान 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, परंतु पुरंदर की संधि करने उपरांत अंग्रेज इस संधि को मानने से मुकर गए और कहा कि हम पहले ही 1775 में सूरत की संधि कर चुके हैं। अंततः युद्ध फिर जारी रहा। इस युद्ध में कर्नल कीटिंग, कर्नल आफ्टन, कर्नल एक्टस तथा उसके बाद कर्नल कॉकबर्ग ने अंग्रेजों की अगुवाई की। इस समय काल में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। मराठाओं की तरफ से माधोजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर नेतृत्व कर रहे थे। अंत में युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। सालबाई की संधि 1782। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की मदद करने से इनकार कर दिया तथा उसे 25,000 मासिक पेंशन देना स्वीकार किया। माधवराव नारायण राव द्वितीय को ही अगला पेशवा माना गया। यह भी तय हुआ कि अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य अगले 20 वर्षों तक कोई भी युद्ध नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम के रूप में यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में मराठाओं का पलड़ा भारी रहा, अंग्रेजों को मुक्की खानी पड़ी। तो यदि कहानी प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।